क्या है, ले मेरी पकड़ ले, मेरी पकड़ ले। Hi guys, good morning and welcome back with another video. मेरे चेहरे का ग्लो देख रहे हो, कुछ नहीं है, थोड़ी सी धूप आ रही है, चक्कर में ऐसा लग रहा है, पर सच में ग्लो है यार। कुछ तो फ़ायदा हुआ प्रेगनेंसी का, थोड़ा सा मोटे हो गए, बॉडी फिट हो गई, एक्स्ट्रा ग्लो आ गया। ऐसा लगता है फेस पर पता नहीं मैंने कितना हाइलाइटर लगा रखा है, कितनी बीबी क्रीम लगा रखी है। मैंने लिपस्टिक लगाई थी, ये सारे मिट गई, पर ये जो टेंट हल्का सा रह गया ना, मुझे लग रहा है इसी टेंट, मतलब ये काफ़ी मैच कर रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। इसी टेंट में मुझे ग्लोज लानी चाहिए, लिप ग्लोज। झाड़ू लगा ली, मम्मी पोछा लगा दिया, चटनी बनाऊँ, गैस में गई, कचरा। चटनी बनाऊँ चाय? चटनी या चाय? पहली चाय? हाँ। अच्छा हैं? आके बना ले। और ईशु को मम्मी सुबह सुबह नहला देते हैं जल्दी जल्दी, मतलब वो खुद नहाते ना उस टाइम नहला देते, तो मतलब नहा धो के उसके बाद अभी मैंने मालिश कर दी थी और शाम को पापा ने मालिश कर दी थी। बीच में मतलब ऐसे हो जाती है मालिश इसकी, मालिश करने के बाद उसको बहुत अच्छी नींद आती है। अभी सो रही इतनी देर से और मुझे जाना है दुकान पर, दुकान है गली में, कॉलोनी में ही है दुकान, तो अभी नया माल लाए हैं काकी साहब, तो वह बस देख के पसंद करके लाना है यार एक दो सूट। तो अभी मुझे पता है इसके अच्छे से मालिश हो रखी है ना, जब तक ये सो रही है, और ये सो रही है जब तक मतलब चांद भी है इसके पास, और इतनी जल्दी मालिश हुई है तो इतनी जल्दी उठेगी भी नहीं है, तो सो रही है जब तक मैं दुकान पे जाके आ जाती हूँ। उससे पहले छत पे कपड़े सूख रहे हैं यार, ये 2 मंजिल चढ़ना ना बहुत भारी हो जाता है, पैर दुखने लग जाते हैं यार। अब एक छत पे से कपड़े उतार के लाऊंगी, व्लॉग एडिट करूंगी, देन उसको अपलोड करूंगी। आजकल तो 12 ही बज जाते हैं व्लॉग को। और इधर हमारा मंदिर है, उल्टी चल रही हूँ, एंड उधर एक कान्हा, ओए ये इधर है मेरे कान्हा जी। रील भी बनानी है यार, रोज़ की 2 अपलोड कर रही हूँ। अभी लास्ट 2 दिन से मैं दिन की 2-2 रील अपलोड कर रही हूँ, तो मेरे फाइनली 600 फॉलोवर बढ़ गए, वरना जब से गांव से आई थी तब से मेरे फॉलोवर्स जो थे अटके पड़े थे। एक हफ्ते तक वो क्या बोलते हैं उसको, 67 को 68,400 ही थे, अभी 68,000 हो गए पूरे, थोड़े और बढ़ जाएंगे अगर डेली रील्स डालूँगी तो। तो दुकान पे से आके, और मेरा फ़ोन भी मुझे ठीक कराना है यार, आज करा लेती हूँ तो। मुझे मेरे ईयरबड्स भी ठीक कराने हैं, क्योंकि इसके एक उसमें आवाज़ नहीं आती, मतलब उसको मैं कान में लगाती हूँ फिर पावर ऑन पावर ऑफ तुरंत हो जाता है, तो वो शोल्डिंग मशीन से जो वायर है वो जो भी है उस ठीक कराना, और स्पीकर ठीक कराना, और ईयरफोन की जो आगे इसको उसको मैं कनेक्ट करती हूँ ना वो वाला भी लेके आना। क्या क्या करूँगी मैं, और ईशू की फ्रॉक्स भी सिलनी, हाँ ये अलग ही निकली हुई रहती है, क्या है ये। फिर घर आने के बाद अभी मुझे ना वैसे खुले बाल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बाल हो जाते हैं एकदम सिल्की, और बाल खोलने का मज़ा ही अलग होता है। गर्मियों में खोल नहीं सकती क्योंकि गर्मी है, और मैं वहाँ थी ना जब तक मैं डेली चोटी गूँथती थी, उस चक्कर में मेरे बाल बड़े थे, ठीक, मैंने चोटी नहीं गूँथी है इतनी कभी जितनी मैंने जापे में गूँथी है, ठीक, तो उस चक्कर में भी फ़र्क पड़ता है चोटी गूँथने का और बाल खुले रहने का। अभी यहाँ हो तो यहाँ पोनी रहती है, पोनी बाहर जाती हूँ ना पोनी रहती है, तो वो ऐसा झाड़ू जैसा बाल हो जाते हैं मिट्टी के अंदर उड़ उड़ के। तो अभी आज तो पापा गांव गए हुए हैं, और मैंने उनको कल बोला था मालिश का कि मालिश कर देना, मैं आज से धो लूँगी, आज सोमवार था, उन्होंने बोला परसों को दूँगा यानी कि मंगलवार को, तो मंगलवार को वो मालिश करेंगे, मैं बुधवार को सिर धो लूँगी, तो अभी उन्हीं से मैं चंपे कराऊँगी। फिर मेरी चोटी, पापा ने कहा हाँ चोटी तो गूँथ दूँगा, बाल खुले नहीं रहने दूँ,
चोटी तो मैं एकदम ऐसा मस्त टाइट टाइट गूंथूंगा, तो चोटी भी वही कर देंगे। अभी मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, जब तक चांद नहा रही है मैं इशू को भी नहीं छोड़ के जा सकती शॉप पे, मतलब वो अभी अंदर है, उसको अकेले को नहीं छोड़ूँ। और ये सूट मुझे पसंद आया था ब्रासो में, ये सेम ब्रासो में और भी प्रिंट है और भी कलर है और बहुत सारा नया नया जो है माल है दुकान में फ़िलहाल आया हुआ है। जो सूट है ये प्लेन है, कल को ये लेस लगानी थी, पहले मैं मरून वाले पे लगा रही थी ये लेस क्योंकि मरून वाले पे अच्छी लगती, पर ग्रीन वाले पे भी अच्छी लग रही है। एक बार पहले नाप के देख लेती यार कितनी आती है, अगर दो सूटों में आ जाएगी तो बढ़िया ही है क्योंकि मैं दो वो लेके आई थी, बिखरेगी लेकिन पूरी, कोई नहीं। 10 मीटर की है ये पूरी लेस, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। और काश मुझे ऐसी लेस मिल जाए जिसमें बीच में येलो जो है वर्क हो, ये गोल्डन है बीच में येलो मिल जाए तो गजब हो जाए। 10 मीटर है तो इसकी ओढ़नी तो है नहीं, मतलब इसके ऊपर मैं चूनरी की ओढ़ती हूँ, ग्रीन कलर की नहीं ओढ़ती मैं जस्ट, या चूनरी पे पता नहीं अच्छी लगेगी, कहीं चूनरी पे बकवास ना लगे। मुझे प्लेन चूनरी बिल्कुल नहीं पसंद, बाकी जो राई बंदेज में है ना वो तो पसंद है, पर ठीक ही लग रही है, अच्छी लग रही है वैसे। इसका ये गोटा जो हमारा वापस लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 मीटर का एक होता है, 2 मीटर का एक, मतलब 9 मीटर तो ओढ़नी भी चाहिए फिर, अगर मैंने सोचा इस पर कर लूँ और बाकी बचे जो मैरून वाले पे कर लूँ। बोला था We miss you, कैसे बोला फिर से बोलो We miss you। नानू को बुला लो, नानू आज आपसे मिले नहीं अभी तक, बोलो वी मिस यू। थोड़ा जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। ओ नहीं जोर से, ओ थोड़ा और जोर से, थोड़ा छोड़ जोर से, मेरे पास आवाज नहीं आई बाबू, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा और जोर से बोलो वी मिस यू नानू। हाँ घर आ जाओ जल्दी, मुझे खिलाया ही नहीं आज आपने, आज आप तो घूमी घूमी करने गए हो, गांव गए हुए हो अभी तो आप। डुगू को बोल दो, हेलो डुगू, डुगू भैया आप भले ही शरीर में मुझसे बड़े हो पर रहूँगी तो मैं ही आपकी जीजा, हाँ मैं ही रहूँगी आपकी जीजा, मैं ही रहूँगी आपसे बड़ी। मैं लेट तक पीको कर रही थी, उसके बाद सो गई थी क्योंकि इशू भी थोड़ा रोने लग गई थी।